वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ, इसका नाम है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो बच्चों का पेशाब करने का रास्ता होता है उसके आसपास जब कोई इन्फेक्शन होता है, बच्चे को पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होता है, बच्चे बहुत रोते हैं, पेशाब में ब्लड आता है, तो उस तरह की जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम होते हैं और क्या इसका इलाज हो सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आपने इस बीमारी के बारे में बरूक में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि उनको यूटीआई हो गया, उनको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन छोटे बच्चों में, खासकर जो हमारे 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है। तो क्या इसका कारण होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है यूटीआई की, ये सबसे ज़्यादा फीमेल चाइल्ड में होती है। जी हाँ, जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। कारण क्या होता है कि उनका जो यूरेथ्रा होता है और जो एनस होता है यानी जो पॉटी करने का रास्ता होता है और पेशाब करने का रास्ता होता है, काफ़ी करीब होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का चांसेस फीमेल चाइल्ड में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉयज़ चाइल्ड। लेकिन बॉयज़ चाइल्ड में भी इन्फेक्शन कई बार होता है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि बच्चे डायपर पहनने लगते हैं और कई बार क्या होता है, गंदे डायपर में वो काफ़ी देर तक रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका बैक्टीरिया होता है, जो पॉटी में बैक्टीरिया होता है, वो धीरे धीरे पेशाब के रास्ते में चला जाता है और वहाँ जाके इन्फेक्शन का घर बनाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक से सफाई नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, ये बेबी है, इसने यहाँ पॉटी की, तो यहाँ हम आगे से पीछे की तरफ सफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या, पीछे से आगे की तरफ सफाई होती है, जिसकी वजह से जो पॉटी करने के रास्ते में जो भी गंदगी है वो ट्रैवल करके यहाँ पेशाब के रास्ते में आ जाती है और इन्फेक्शन का घर बनाती है। इसीलिए जब भी बच्चों को सफाई करें यहाँ पे, तो आप आगे से पीछे की तरफ करेंगे, कभी भी यहाँ नहीं करेंगे। तीसरा कारण होता है लेट पॉटी ट्रेनिंग करना, यानी बच्चों को बहुत लेट ट्रेन किया गया पॉटी के लिए, जिसकी वजह से बच्चों को आदत हो जाती है पैंट में पॉटी करने की, बहुत देर पॉटी हो इधर उधर गिराने की, तो वहाँ पे भी क्या होता है, बच्चों की पॉटी बहुत देर रह जाती है और वहाँ से गंदगी ट्रैवल करके सुसु के रास्ते में आ जाती है। चौथा कारण ये भी होता है कि बच्चों को पेशाब बहुत देर तक होल्ड करने की आदत हो जाती है, बहुत देर तक वो पॉटी को होल्ड करके रखते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा यूटीआई का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट कारण ये भी होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उस जगह सोप लगाया जाता है, बच्चे को पॉटी के रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा सोप लगाया जाता है, बबल बात किया जाता है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर यूटीआई का खतरा बन जाता है। नेक्स्ट कारण ये होता है बच्चों को प्रॉपर अंडरगारमेंट्स नहीं पहनाने से, बच्चों को नायलॉन की अगर अंडरगारमेंट्स पहनाते हैं तो वहाँ पसीना नहीं सूखता है, वहाँ पे वो चीज़ बैक्टीरिया बहुत जल्दी घर बना लेता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को यूटीआई बनी रहती है। तो ये कुछ कारण होते हैं, जनरल कारण, जिसकी वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम हो सकता है, कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को यूटीआई हुई है और तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे। तो देखिए, अगर आपके बच्चे पेशाब रुक रुक के कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम है। कई बार ये भी होता है कि बच्चों को बहुत हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा, और पेशाब के रास्ते में काफ़ी खुजली होती है, वो कई बार खुजलाते रहते हैं। तीसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बच्चों की जो पेशाब करने के रास्ते हैं वहाँ पर काफ़ी रेडनेस आ गया, काफ़ी जलन हो रहा है, बच्चे बहुत रो रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, तो यहाँ भी ये मान लेना है कि बच्चे को यूटीआई की प्रॉब्लम हुई है। जो हमारे 2 साल से छोटे बच्चे हैं वो आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी वो पेशाब करेंगे काफ़ी रोएंगे, उन्हें वॉमिटिंग होगी, उनके बॉडी में काफ़ी पेन होगा और वो बिल्कुल भी दूध नहीं पिएंगे और खाना नहीं खाएंगे, तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चे को यूटीआई। तो यहाँ भी हमें पहचान कर लेना है कि बच्चे को यूटीआई हो गई है, क्योंकि बड़े बच्चे तो फिर भी बता सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है तो वो बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको नोटिस करना है, आपको चेक करना है कि बच्चे के पेशाब करने के रास्ते में कोई रेडनेस तो नहीं आ गई है, बच्चे जो पेशाब कर रहे हैं उसमें महक तो नहीं है, जलन तो नहीं है, बच्चे को रुक रुक के पेशाब तो नहीं हो रहा है, या एक बार बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो पेशाब तो नहीं कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरी आशी जब 1.5 साल की थी तो उसे बहुत ज़्यादा यूटीआई का इन्फेक्शन हुआ था। तो शुरुआत इस तरह हुआ था कि पहले उसको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से वो पॉटी काफ़ी देर तक होल्ड करना रखना सीख गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके सुसु के रास्ते में हुआ और मैंने नोटिस किया कि वो बहुत तुरंत बहुत ज़्यादा पेशाब कर रही थी और काफ़ी रो रही थी। तो चूँकि मैंने तुरंत पता लगा लिया कि उसे यूटीआई है, तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास ले गए और वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पता नहीं चलता, इसीलिए आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नोटिस करना है कि बच्चे क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं,
तभी आप सही समय पे इस चीज़ का पता लगा पाएंगे और डॉक्टर के पास जा पाएंगे। नेक्स्ट सिम्टम ये भी होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, कितनी भी चीज़ आप उनको दो, कितना भी इनको आप घुमाओ खिलाओ, लेकिन वो चुप नहीं होती और बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो बताते हैं कि आपके बच्चे को यूटीआई इन्फेक्शन हो गई है। तो इन्फेक्शन तो हो गई, आप करें क्या? तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ। तो डॉक्टर वहाँ पर एग्जामिन करके बताएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर इन्फेक्शन थोड़ी है तो बच्चे के डॉक्टर कल्चर टेस्ट बोलेंगे, रूटीन टेस्ट बोलेंगे, जो एक पेशाब की टेस्ट है, तो उससे पता चलता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो वो एंटीबायोटिक आपको देंगे, उस बैक्टीरिया के लिए आपको एंटीबायोटिक देंगे और बोलेंगे बच्चे को पानी खूब पिलाएं, जूस खूब पिलाएं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को धार से पेशाब होती है, इन्फेक्शन घटता है और बच्चे की जो दवा चल रही होती है उसकी वजह से बच्चा एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर फर्दर आपको कुछ टेस्ट बोलेंगे, तो प्लीज़ उसको ज़रूर करवाएं। उससे सही जानकारी मिलती है कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, फिर डॉक्टर उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ये सोचना कि ये हुआ है और मैं घर पे ही इसको ठीक कर लूँगा, वो संभव नहीं है। यहाँ पे आपको मेडिकल हेल्प लेना ही है, बिकॉज ये एंटीबायोटिक के बिना ठीक होना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे डायपर में पॉटी करते हैं, हम सोचते हैं थोड़ी देर बाद क्लीन करेंगे और फिर किसी काम में लग जाते हैं, बच्चे बहुत देर तक पूप में रह जाते हैं, तो ये नहीं करना है। अगर आप डायपर यूज़ करेंगे तो फ्रिक्वेंटली बच्चे को चेंज करें। समर की सीज़न में तो मैं सलाह दूंगी यूज़ नहीं ही करें, दिन में बच्चे को इसी तरह रहने दें। अगर बच्चे को एक बार यूटीआई इन्फेक्शन हो चुकी है तो डायपर के यूज़ से परहेज़ करें। बच्चे की जो पेशाब करने की जगह है वहाँ साफ़ पानी से अच्छे से क्लीन करें, तेज़ धार वाले पानी से क्लीन करें। वहाँ पे कॉटन के बच्चों को अंडरवियर पहनाएं, पानी खूब पिलाएं और डायपर के इस्तेमाल को थोड़ा परहेज़ करें, बिकॉज डायपर में क्या होता है पता नहीं चलता है, बच्चे ने सोसो की, पॉटी की और बहुत देर तक वो गंदगी में रह जाता है और वही बैक्टीरिया ट्रैवल करके उनको यूटीआई का इन्फेक्शन देता है। तो यहाँ पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है। फीमेल चाइल्ड है तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बच्चे को बहुत जल्दी आप पॉटी ट्रेन करना शुरू कर दें, पेशाब की ट्रेनिंग देने लगे, ताकि बच्चे को पता हो कि सुसु आई है तो वहाँ बैठ जाना है, पॉटी आई है वहाँ बैठ जाना है, ताकि पॉटी की वजह से जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है वो बच्चे को नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल इन्फेक्शन होता है। मैंने खुद सफ़र किया, मुझे पता है कि बच्चे को कितना ज़्यादा पेन होता है। तो ये आपके बच्चे को नहीं हो, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड अगर आप मुझे देना चाहती हैं तो वो भी ज़रूर लिखें। देखते रहे मॉम इज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।